प्यारी प्यारी भव्यात्मा जीवन में धर्म से ही आत्मा का अनुभव होता है धर्म से ही स्वयं की पहचान होती है धर्म से ही अध्यात्म का जागरण होता है वर्तमान की स्थिति में हर व्यक्ति ज्योतिष वास्तु निमॉजी इन विधाओं से जुड़ा है इनके साथ हर व्यक्ति की आस्था है ज्योतिष क्या है ज्योतिष एक ज्योति है ज्योतिपुंज है तेज मतलब अंधकार अंधकार को मिटाने के लिए एक ज्योति ही काफी है जीवन में जब ग्रहों के अंधकार आपके सामने छा जाते हैं उस समय ज्योति पुंज के रूप में यह ज्योतिष काम आता है कोई भी कार्य करना हो विधान करना हो तो मुहूर्त तो देखा जाता है पंचरण करना हो तब मुहूर्त देखा जाता है किसी को दीक्षा देना हो तो भी मुहूर्त देखा जाता है संसार में ग्रह प्रवेश करना हो तो भी मुहूर्त देखा जाता है खाद मुहूर्त करना हो उसका मुहूर्त देखा जाता है ग्रह प्रवेश करना हो उस समय मुहूर्त देखा जाता है एजुकेशन का मुहूर्त देखा जाता है मंदिर के जाने का मुहूर्त देखा जाता है ये सारे मुहूर्त से ही हम लोग संसार की सारी व्यवस्थाओं को चलाते हैं क्योंकि बिना मुहूर्त के कोई भी कार्य मूर्त रूप नहीं ले सकता है आज वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण बना हुआ है संघर्ष होते रहते हैं पसंद से शादी तो करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वह पसंद ही नापसंद में बदल जाती है क्योंकि हम सिर्फ लड़के और लड़की का चेहरा देखते हैं चारित्र नहीं दिखते हैं यदि हम लड़के और लड़की का चारित्र देखने लगें तो हमारे घर में हमारे परिवार में और हमारे समाज में किसी प्रकार के विवाद नहीं हो सकते हर समय व्यक्ति धर्म से जुड़ करके अपने अंदर समत्व भाव धारण कर सकता है क्योंकि आज हम सबसे ज्यादा इसीलिए परेशान हैं क्योंकि अपने पास धन बहुत आ चुका है पैसा बहुत आ चुका है छोटे छोटे घर बड़े बड़े हो गए हैं आज मकान तो बड़े हो गए मन बहुत छोटे हो गए आज जब भी वैवाहिक कार्य हम प्रारंभ करते हैं उसमें सबसे पहले हम सरता रख देते हैं जब लड़के लड़की आपस में शर्त रखते हैं तो यह विवाह नहीं यह तो सिर्फ शर्तों से जुड़ा हुआ जीवन है क्योंकि यहां पर शर्त नहीं लगाई जाती है शर्त जुआ है और जुआ खेलने वाला हमेशा हारता ही है कभी जुआ खेलने वाला जीतता नहीं है आपने देखा है महाभारत में इस महाभारत में जब शर्त रखी जुआ लगाया गया उस समय की स्थिति क्या रही आज शादी के पहले लड़के लड़की बातें कर लेते हैं बातें करने में एक दूसरे पर शर्त रख देते हैं मेरे साथ ऐसा रहना पड़ेगा ऐसा करना पड़ेगा मुझे सर्विस करने का अधिकार देना पड़ेगा मुझे घूमने की फ्रीडम देना पड़ेगी मैं घर में कोई काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे घर का काम नहीं आता है मैं सिर्फ छोटा परिवार चाहती हूँ मुझे बड़ी परिवार नहीं चाहिए मुझे आपके मम्मी पापा नहीं चाहिए मेरे मम्मी पापा आ सकते हैं लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आ सकते हैं इतनी शर्तों के साथ हम जब जुड़ जाते हैं तो हमारी उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन शादी नहीं होती है क्योंकि आप अपने जीवन में धर्म से नहीं जुड़े हो आप पढ़ाई से जुड़े हो पैसों से जुड़े हो अच्छी सर्विस से जुड़े हो क्योंकि आप परिवार से दूर हो गए अपने माता पिता से दूर हो गए रिश्तेदारों से दूर हो गए पहले के समय जब शादी होती थी तो जैन जैन को पसंद करके शादी करता था हिंदू हिंदू संप्रदाय के हिसाब से शादी करता था मुस्लिम मुस्लिम पद्धति से शादी करता था ईसाई ईसाई पद्धति के साथ वैवाहिक बंधन में बनता था वर्तमान का समय बड़ा विचित्र हो चुका है आज के समय जैन जैन नहीं देखता हिंदू हिंदू नहीं दिखता मुस्लिम मुस्लिम नहीं दिखता सिख सिख नहीं दिखता ईसाई ईसाई नहीं देखता है आज के समय तो शादी करने के पंथ और परंपरा अलग अलग हो गए हैं आज किसी को किसी मजहब से मतलब नहीं है किसी पंथ से मतलब नहीं है आज के समय एजुकेशन का एजुकेशन से संबंध हो गया है आज जब डॉक्टर लड़का होता है तो वह डॉक्टर लड़की को पसंद करता है ये नया मजहब चालू हो गया डॉक्टर को डॉक्टर चाहिए वकील को वकील चाहिए इंजीनियर को इंजीनियर चाहिए इस प्रकार की स्थिति आईटी वालों को आईटी फील्ड वाला बच्चा चाहिए सर्विस करने वाला चाहिए इस प्रकार के जब परंपराएं तैयार हो जाती हैं तो वह जीव वह व्यक्ति जीवन भर परेशानी के चंगुल में फंस जाते हैं क्यों उनका परिवार से पूरा संबंध खत्म हो जाता है धर्म से उनका वास्ता खत्म हो जाता है पैसा कब तक सुख दे सकता है पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है पैसे से हम गोलियां तो खरीद सकते हैं लेकिन पैसों से हम स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकते हैं पैसों से हम नींद नहीं खरीद सकते हैं पैसों से हम बिस्तर तो खरीद सकते हैं लेकिन पैसों से हम चैन की नींद नहीं ले सकते हैं पैसों से हम बड़े मकान बना सकते हैं बड़ा महल बना सकते हैं लेकिन हम पैसों से शांति नहीं पा सकते हैं पैसा एक बार सुख दे सकता है लेकिन ये पैसा आपको शांति नहीं दे सकता है शांति के लिए हमें परिवार से जुड़ना पड़ेगा रिश्तेदारों से अपना संबंध बनाना पड़ेगा धर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा तभी जाकर के हमारा जीवन सुखी होता है जब मैं पत्रिकाएं देखता हूँ ऐसे तो युवा प्रवचन सुनने आते नहीं यदि मैं युवाओं से कहता हूँ कल सुबह साढ़े आठ बजे प्रवचन है तो वह एक ही बात कहते हैं मुझे प्रवचन से क्या मतलब अभी तो मुझे साधु बनना नहीं अध्यात्म से जुड़ना नहीं है जो मुझे पाना है वो प्रवचन में मिलता नहीं है तो मैं प्रवचन में बैठ के करूंगा क्या जब तक हम अपने प्रवचन में बच्चों के हिसाब से धर्म को लेकर के नहीं चलेंगे तब तक आज के बच्चे धर्म से जुड़ नहीं पाएंगे आज भी बच्चे धार्मिक होना चाहते हैं आज आप देखिए किस तरीके से बच्चे ध्यान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें शांति चाहिए मन की संतुष्टि चाहिए यह ध्यान के माध्यम से धर्म के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है तो सबसे पहले हमें फोकस करना होगा बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं चावल लेके नहीं आते हैं पत्रिकाएं लेके आते हैं हर व्यक्ति परेशान कोई सर्विस से परेशान किसी की शादी नहीं हो रही है किसी की शादी हुई है तो टूटने की कगार पे है शादी हो गई संतान नहीं है प्रमोशन नहीं है हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां मकड़ी के जाल की तरह फैली हुई हैं निकल नहीं सकता है उस समय एक धर्म से जोड़ने का सहारा पत्रिका बनती है तो पत्रिका एक सोनोग्राफी है ऑटोमेटिक उस पत्रिका में सब कुछ लिखा है कि जब मंगल का मंगल से संबंध होता है तो उसका जीवन कैसा होगा काल सर्व होगा तो उसके जीवन में किस प्रकार का कालचक्र चलेगा शनि का प्रभाव होगा तो उसके जीवन में शनि अपना क्या प्रभाव दिखाएगा इस व्यक्ति को धर्म से कैसे जोड़ा जाएगा ये सारी कला सारी पद्धति ज्योतिष के अंदर है क्योंकि एक ज्योति बनकर के वह अपना कार्य करती है लेकिन आस्था सबसे बड़ी चीज़ है बिना आस्था के कोई भी चीज़ काम नहीं करती देखो आपकी आस्था यदि धर्म पर है ज्योतिष विद्या पर है अंक विद्या पर है तो यह है अपना काम करेगी यदि आपकी आस्था नहीं है तो हम आपको कितना भी उपाय बताएं, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा डॉक्टर की दवा काम नहीं करती है डॉक्टर के प्रति जो आस्था होती है बस वही काम करती है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको अपनी आस्था से जोड़ता है उस दवा की आस्था से जोड़ता है तब जाकर के वह व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त होता है तो अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों के साथ हम जी रहे हैं मरता क्या नहीं करता आज हम ना जाने कहाँ कहाँ किस किस को अपना भगवान मानते हैं जो जितना पैसा मांगता है हम उतना उसे पैसा दे के आ जाते हैं उसे तो समाधान मिलता है लेकिन अपने को कोई समाधान नहीं मिलता है धीरे धीरे हमारी आस्थाएं खत्म हो जाती हैं और सब बेकार की बातें हैं हर जगह अपना व्यापार चल रहा है तो मैं चाहता हूं आज जो आपने परिवार बसाया है इस परिवार के साथ एक चीज और जोड़ दें जिसका नाम है धर्म बिना धर्म के जीवन में कोई सुखी नहीं रह सकता है धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है जहां सच्चा सुख है उसके चरणों में जाओगे वहीं पर आपको सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है अभी आप उसके पास जा रहे हो जो दुखी है परेशान है सबके सामने हाथ फैला रहा है और हम उसके सामने हाथ फैला रहे हैं तो हमें सुख कैसे प्राप्त होगा आज हमें कष्ट होता है डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ लेते हैं डॉक्टर खुद परेशान है क्योंकि उसने अभी तक कोई दवा नहीं बनाई आप बताइए किस डॉक्टर ने दवाई बनाई है सिर्फ जो साइंटिस्ट दवा बनाता है उसका तो कोई नाम नहीं लेता है किसी दवा पर साइंटिस्ट का नाम लिखा नहीं होता है लेकिन वह मेहनत करके दवाओं का आविष्कार करता है हम दवा के आविष्कारक को नहीं जानते हैं लेकिन डॉक्टर उस आविष्कारक पर अपना श्रद्धा रख कर के वो दवा आपको दे देता है और आप किसी डॉक्टर से नहीं पूछते डॉक्टर साहब जो दवा आप दे रहे हो आपने बनाई क्या पूछा क्या नहीं पूछते हो फिर भी आप डॉक्टर पर विश्वास करके वो दवा ले लेते हो आज यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे भगवान साइंटिस्ट हैं वो दिखेंगे नहीं उनका प्रभाव पड़ेगा और आज जितने भी संत हैं वो सब डॉक्टर हैं भगवान ने जो मंत्र दिए हैं वो मंत्र यहाँ से संत आपको देते हैं इस पर यदि आप आस्था रखोगे तो ये मंत्र आपके मन के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और अंदर जो तंत्र हैं उन तंत्रों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर देंगे सिर्फ आपको आस्था रखना बहुत ज़रूरी है तो आज वैवाहिक जीवन में बंधने के बाद जो तनाव तुम्हारे जीवन में आया है वो सिर्फ आपकी परेशानी के प्रभाव से क्योंकि आपने एक माता पिता का दिल दुखाया है आपने उस माँ का दिल दुखाया है जिस माने ने मंत्र सुना सुना करके आपको जैन बनाया हिंदू बनाया मुस्लिम सिख ईसाई बनाया उस मां का तुमने दिल दुखाया है और दिल को दुखाने वाला व्यक्ति दिल से सुखी कैसे रह सकता है हमेशा परेशान ही रहेगा इसे जीवन में अपने मन में एक संकल्प बना लो कभी किसी का दिल नहीं दुखाना जैसा हम चाहते हैं वैसा ही सामने वाले के लिए सोचिए सामने वाला हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचेगा पॉजिटिव सोचेगा मेरी भावना यही है आप मुझे पूरे मनोभाव के साथ सुन रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे शब्द आपके जीवन को साकार कर सकें आपके जीवन में हर परेशानी को दूर कर सकें और आपके अंदर धार्मिक आस्था का बीजारोपण कर सकें यही भावना लेकर के मैं अपना समय उपदेश के माध्यम से आपको देता हूं। आज परिवार में एकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब माता पिता एक होते हैं तो बच्चों में अच्छे संस्कार होते हैं और जब माता पिता में एकता नहीं होती है तो बच्चे गलत संस्कार की ओर चले जाते हैं वह और किसी से बात करना पसंद करते हैं फिर दिन भर रात भर मोबाइल को अपना साथी बना करके अपने जीवन को यापन करने की कोशिश करते हैं तो ये अंक शास्त्र है ज्योतिष विद्या है वास्तु है अपना अपना काम करता है क्योंकि हर दवा अपना अपना प्रभाव दिखाती है तो आज हम जो ज्योतिष से आपको जोड़ना चाहते हैं हर राशि के साथ जोड़ना चाहते हैं जिसमें बारह राशि होती हैं, मेष राशि वृषभ राशि मिथुन राशि कर्क राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि वृश्चिक राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि और मीन राशि ऐसी बारह राशि से जोड़ना चाहता हूँ आप पीछे देख रहे हैं बारह राशि को इन बारह राशि से जोड़ करके जो संसार में आपको राशि चाहिए हर व्यक्ति भगवान के नाम से उठे ना उठे जब कोई राशि जमीन पर गिरती है ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाती है तो कौन सी राशि आपको प्रभावशाली बनाएगी किस राशि से आप प्रभावशाली बनेंगे किसके प्रभाव से आपकी आस्था धर्म के प्रति और जुड़ती जाएगी ऐसा कौन सा समय आया जिस समय के कारण हम विवाद में फंस गए तो ऐसे स्थान पर जब हम कोई कार्य करते हैं तो जीवन में कष्ट और परेशानी आपके जीवन में आती है तो ज्योतिष विद्या के साथ आप जुड़ें आपको सही सटीक धार्मिक समाधान मिल सके यही मेरी भावना है प्रेम से सुना अनुग्रहित हो ओम नमः आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र मेरा नाम वैभव जैन है मैं मूल बांसवाड़ा राजस्थान का रहने वाला हूँ मेरी जॉब पूना में है करीब चार साल पहले वक्तामर वाले बाबा श्री प्रणाम सागर जी महाराज जी का वहाँ आगमन हुआ महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने कहा कि आप वक्तामर मंत्र की में पूर्ण आस्था रखें आपकी ग्रोथ अवश्य होगी और उसका परिणाम ये हुआ कि करीब तीन महीने बाद ही महाराज जी के आशीर्वाद और बक्तामर मंत्र में मेरी आस्था से मेरी ग्रोथ हो गई आप सभी से ये निवेदन है कि आप बक्तामर मंत्र में अपनी आस्था रखें प्रणाम सागर जी महाराज जी में भी आस्था रखें आप सभी का भला होगा सभी को सादर जय जी